आचार्य जी ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट साइक्लोन्स, टोर्नाडो, थंडरस्टॉर्म्स एंड इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स वर्क हियर। जब साइक्लोन आ जाता है तो उससे पहले से मतलब कौन सी सावधानियां बरतेंगे जिससे कि हम इस साइक्लोन से बच सके। तो हमने देखा विंड स्पीड और कई जितनी भी बातें आई, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स और टोर्नेडो, ये सब जो बात आई तो किसकी वजह से हुआ, इनका जो मेन जो फैक्टर्स था वो क्या था, विंड स्पीड। तो ये सभी जो साइक्लोन्स है, थंडरस्टॉर्म है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले तो विंड स्पीड को मेजर करने का डिवाइस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो विंड स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो मेजरिंग डिवाइस है वो है एनीमोमीटर। और ये एनीमोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है और मूव करता रहता है, और इसी से हमें विंड के डायरेक्शन का और विंड के स्पीड का पता लग पाता है। तो दिस इज एनीमोमीटर, दिस इज अ डिवाइस दैट कैन बी मेजर एनी विंड स्पीड। सो लेट्स सी अबाउट इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, मतलब हम अपने आप को सेफ कैसे रहें, हाउ कैन बी सेफ वेन साइक्लोन्स कम और थंडरस्टॉर्म कम। तो थंडरस्टॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि हमें कैसे बचना चाहिए। साइक्लोन्स में अब जो सेफ्टी, अगर कोई एरिया है जो साइक्लोन मतलब कोस्टल एरिया के लोग हैं, वहां के लोगों को कैसे सावधान रहना चाहिए, और भी कई सारे जगहों पे अगर आता है तो वहां के लोग कैसे उससे बचे। तो फर्स्ट थिंग इज द साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, जो पहले से पूर्वानुमान जो चेतावनी दी जाती है, आप देखोगे चेतावनी आती रहती है, तो इसको फॉलो करना, मतलब हमेशा एक साइक्लोन और फोरकास्ट देना, वार्निंग सर्विस करना। दूसरा क्या है, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, किसके किसके लिए, द पोर्ट्स, फिशरमैन, सीप एंड टू द जनरल पब्लिक, मतलब जो मछुआरे हैं, जो जलपोत मतलब जो शिप जहाज हैं, द पोर्ट जहाँ पे लैंड करते हैं शिप वो जगह, और जो जनरल पब्लिक है उनको सरकारी एजेंसियों के द्वारा हमेशा सूचना, मतलब रैपिड मतलब हमेशा उनको सूचना मिलती रहनी चाहिए जिससे कि वो अलर्ट रह सके। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, ऐसे लोग जो कि साइक्लोन शेल्टर में मतलब साइक्लोन में ही उनका घर होता है जहां पे ज्यादातर साइक्लोन आते हैं, वहां के लोगों को किस तरह सेफ प्लेस पे वहां से पहुंचाना, उनको वहां नहीं रहे जिससे कि साइक्लोन से उनकी जिससे उनके घर बर्बाद हो जाए या फिर उनकी प्रॉपर्टी को कुछ हो, इसीलिए उनको वहां से किसी सेफ जगह पे जल्दी पहुंचाना। आपके घर में हाउसफुल कुछ सामान है अगर, तो अगर साइक्लोन एरिया में जिनका कोस्टल एरियाज में जिनका होम है, वो वहां से सामान को सेफली दूसरी जगह कैसे पहुंचाए, आपके एनिमल्स होंगे बहुत सारे जो पालतू एनिमल्स है उनको भी उससे बचाना, उनको भी उन सेफ जगह पे पहुंचाना, ठीक है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, और अब जो और भी प्रिकॉशन है जो कि पीपल के एक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियोज और न्यूज पेपर, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जहां से हमें मौसम विभाग की सूचनाएं मिलती है, उसको अगर वैसी वहां से वार्निंग्स आ रही है, अगर हमें वार्निंग्स मिले, चेतावनी दी जा रही है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर ऐसी चेतावनी है तो हम उसका ख्याल रखेंगे। और भी क्या और क्या सावधानी बरत सकते हैं हम इसमें, तो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टामिनेटेड, ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जो कि कॉन्टामिनेटेड हो, जो कि जो साइक्लोन क्षेत्र में जो पब्लिक रहती है, जो लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टामिनेटेड, जो अशुद्ध हो चुका है, जो पानी बेकार हो चुका है, पीने लायक नहीं, वैसे पानी नहीं पिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एन इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमेशा पीने का पानी उन्हें स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलिंग पावर लाइन्स, कभी कभी तारे गिरी रहती हैं जमीन पे और फिर हम गीले हाथ से स्विच टच करते हैं, तो कभी भी हमें गीले हाथ से स्विच टच नहीं करना चाहिए, किसी भी सर्किट का स्विच टच नहीं करना चाहिए, और गिरे हुए पाइपलाइन मतलब पावर लाइन्स को भी टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, मतलब एंजॉय के लिए घर से बाहर हमेशा नहीं निकलना चाहिए। एंड प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, मतलब कभी भी
फन के लिए हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे को जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं जहाँ पे हमेशा साइक्लोन आने का डर रहता है, उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए। तो हमने देखा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर में देखा कि हमें कैसा हाउसहोल्ड डेवलप करना चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जिससे कि साइक्लोन से जो वहां की पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उनको सेफ रखा जा सके, या फिर उनको सेफ्टी प्लेसेस पे पहुंचाया जा सके। नाउ अब हम देखेंगे कि नाउ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प। पहले क्या होता था, पहले लोग ऐसे ही साइक्लोन से मतलब डैमेज हो जाते थे या फिर उनका बहुत सारा क्षति भी होती थी। अब क्या हुआ, अब तो इफेक्टिव सेफ्टी तो है ही, और भी मेजर सेफ्टी आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, और अब उनसे बचाव करने के बहुत सारे दूसरे तरीके भी हैं, जैसे पहले टेलीकास्ट होता था, फोरकास्ट, ये सब। और अब एडवांस टेक्नोलॉजी किसके थ्रू आई, सैटेलाइट और रडार्स के थ्रू, जिन्होंने थैंक्स उनको थैंक्स करना चाहिए कि उनकी वजह से साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच जो होता है, जिससे क्या करते हैं, साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इशूड 48 आवर्स, 48 घंटे में इशूड इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म। अगर कोई आने वाला आंधी, तो हमें 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि कोई आंधी आने वाली है, फिर साइक्लोन वार्निंग इज इशूड इन 24 आवर्स इन एडवांस, पहले से ही हमें 1 दिन पहले ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे साइक्लोन आने वाला है, या फिर कोई स्टॉर्म, कोई बड़ी आंधी आने वाली है। आप देखोगे वेदर फोरकास्टिंग जब होता है, या फिर मौसम की जानकारी, मौसम विभाग, आप देखोगे कि वहां पे काफी, ये कैसे हुआ, ये कैसे डेवलप हुई, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच सैटेलाइट और रडार के थ्रू दिया गया, जिससे कि हमें पता चल जाता है 1 दिन पहले ही कैसा। फिर हम अपने आप अपने जो हमें सेफ्टी मेजर जो करना चाहिए, इफेक्टिव सेफ्टी, उसको फिर हम फॉलो करते हैं जिससे कि हम बच सकते हैं। और अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड इन 24 आवर्स इन एडवांस, ठीक है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। बहुत सारे जो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कोऑपरेट करते हैं साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपदाएं, अगर साइक्लोन से रिलेटेड कोई भी आपदाएं आती है तो उससे कौन, उससे हमारी मदद कौन करता है, सेवरल जो भी मतलब नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब हेल्प करते हैं। तो ये हमने देखा, पहले तो हमने देखा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, देखा कि कैसे बचा जाए, और भी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी हमें मदद करते हैं इससे बचने के लिए। तो ओवरऑल हमारा जो चैप्टर है वो ये फिनिश हो गया। तो इसको फिनिश होने के बाद हमने क्या सीखा, क्या क्या हम कर सकते हैं कवर, तो कुछ कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। एनीमोमीटर हमने अभी देखा, विंड स्पीड को मापने का जो डिवाइस होता है उसको हम एनीमोमीटर बोलते हैं। साइक्लोन आप सभी समझ गए साइक्लोन क्या होता है। हुरिकेन साइक्लोन का ही एक पार्ट होता है, जहां जो अमेरिकन कंटिनेंट है वहां पे साइक्लोन को ही हुरिकेन बोला जाता है। लाइटनिंग जब वो ड्रॉपलेट से तेज स्पीड में विंड जो ऊपर जाती है, राइज करती है, वो उसे टकराती है, स्ट्राइक करती है, देन लाइटनिंग होती है। लो प्रेशर, एयर का जो प्रेशर जब लो होता है, दैट इज लो प्रेशर, निम्न दबाव। एंड मॉनसून विंड्स आप सभी जानते हैं, जो ओशियन के पास से जो विंड ब्लो होती है, दैट इज मॉनसून विंड्स, और वो रेन लाती है, दैट इज मॉनसून विंड्स। प्रेशर हमने दूसरा देखा, प्रेशर दबाव। फिर थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, हमने समझ लिया। टोनेडो, टोनेडो अभी हमने देखा, इट इज अ डार्क शेप्ड, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड, ओके, नथिंग बट डार्क फनल शेप्ड क्लाउड। टाइफून, टाइफून इज ऑल्सो टाइप ऑफ साइक्लोन, और ये कहाँ, फिलीपींस और जापान में हम साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं। और क्या, हमारा विंड फ्लो पैटर्न, विंड फ्लो मॉनसून विंड का जो हमने पैटर्न देखा था कि कैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो ये सभी चीजें अब हम कवर कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर से।